अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, वेलकम टू शिफास किचन। आज हम ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो आपको और आपके बच्चों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी को आप लोग आज ही ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन येलो कलर 1 पिंच, विनीगर 2 चम्मच, व्हाइट पेपर पाउडर 2 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, ग्रीन चिल्ली का पेस्ट 2 चम्मच, कॉर्नफ्लोर 4 से 5 चम्मच, 1 अंडा और नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे 1 किलो चिकन लिया है, इसको साफ़ करके रख लिया है। तो हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स का पेस्ट बनाएंगे। अब हम इस पेस्ट में चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको ढक के 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो मैरिनेट करें। यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं। मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल को मीडियम लो फ्लेम पे गर्म करें। तो चलिए चिकन के पीसेस को फ्राई करते हैं। हम इसको सिर्फ हाफ फ्राई करना है, इसको पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है। मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक फ्राई किया है। बस अब इसको निकाल लेते हैं। अब हम इस हाफ फ्राइड चिकन को अंडा और ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, इसमें थोड़ा नमक और 1/2 चम्मच ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डाल के इसको बीट कर लेंगे।
हमने यहाँ पे 2 कप ब्रेड क्रम लिया है। अब हम इस हाफ फ्राइड चिकन के एक एक पीसेस को अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम में कोट करेंगे। कोट किया हुआ चिकन को हम उसी ऑयल में फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम में ही इसको फ्राई करें। देखिए हमारी चिकन कितने अच्छे से फ्राई हो रही है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। इसको 5 से 7 मिनट तक फ्राई करें। देखिए हमारी चिकन बनके तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को 1K सब्सक्राइबर तक ज़रूर पहुंचाएं।